Hey, good morning guys, welcome back to my channel. एक नए दिन की शुरुआत एक नए जोश के साथ. जोश इसलिए क्योंकि आज हमारा ट्रेवल है इंदौर के लिए बाई प्लेन. हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल. फ्लाइट है हमारी शाम की 6:10 की और टाइम हो चुका है अभी ऑलमोस्ट 1:20. तो अभी हम छोटा मोटा थोड़ा सा काम निपटा लें. यहाँ पे जाते जाते भी ना कुछ काम याद आ ही जाता है, छोटा मोटा कुछ सामान लेना है मार्केट से आके वो लेके फिर निकलेंगे हम लोग यहाँ से 3:30 करीब एयरपोर्ट के लिए गुड़गावा के लिए. वादे के हिसाब से कुछ दिन पहले आप व्लॉग में बोला था कि हम उज्जैन जाएंगे और कमेंट सेक्शन भर के आया था कि उज्जैन जाऊँ. ठीक है, जो भोले बाबा का भक्त है ना वो लिखेगा जय महाकाल, वो शंकर भगवान की जय. अभी छोटा मोटा काम निपटा लें, इसके शू वापसी करवा लें, एक नंबर बड़ा आ गया था छोटा लेना है, उसके बाद हम निकलेंगे टपड़ा पैक उठा के अपना एयरपोर्ट पैबिक स्टाइल में. कौन सा अच्छा लग रहा है? कौन सा अच्छा लग रहा है, वो या ये? ये वाले भी अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, वाला देख ले. हाँ ये वाला फाइनल कर. A few minutes later. चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां, चल भूल जाए फासले. अच्छा अम्मा, ठीक है ठीक है, आराम से आना ना. ठीक है चल, आप कह कहाँ जाओगे? इंदौर. मैंने कहा चलो, जो इंदौर वाले को तो हमें भेजना पड़ेगा पहले, वो देख इसकी बोर्डिंग कहाँ करवाए, लगेज रखवा देते पहले. विस्तारा देख, विस्तारा विस्तारा काउंटर देख, बोरा विस्तारा. क्या बोला था? वेंडिंग मशीन कह रहा था मैं. वेंडिंग मशीन नहीं, रनिंग मशीन, एक्सीलेटर. वेंडिंग मशीन कहते हैं उसको. ये कुछ मैं लगा था, मैंने पेप्सी ले लो वेंडिंग मशीन से और एक्सीलेटर से मिल बैठे. मैं गिरा थी उस पर नहीं. नहीं नहीं, इसे बोला यही था कि रनिंग मशीन में चलते हैं. ये बहुत बुरी बात है, नहीं ऐसे चलेगा. काहे कंफ्यूज हो रहा है, काहे कंफ्यूज हो रहा है? कंफ्यूज मत हो बेटा, अभी तो लंबा सफ़र है हमारा. कुछ खाते हैं, भूख लग रही है. 41 पे जाना है, चलो पहले कुछ खाएंगे यार, पहले कुछ खाएंगे, भूख लगी है. दांत कम दिखा ले. नहीं, ओनली फॉर वेज, ओनली फॉर वेज. बता पनीर टिक्का नहीं, ये ले लो बर्गर, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, जो मर्जी ले लो. बर्गर, वन बर्गर पेप्सी स्टाइल में पनीर. अच्छा ऐसे कूदेंगे हम. तो गाइस हमारी बोर्डिंग चल स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हम आराम से जाएंगे क्योंकि हम, मैं तो जवाई हूँ, मैं जवाई हूँ गुड़गांव का, तो इसलिए आराम से जाएंगे हम लोग बिल्कुल आराम से. सह सह से लुक्विड डेक्स देख लो, हवाई जहाज के नज़ारे ले. फ्रेम दे यार, बस हो गई मेरी वजह से फेम है. मैंने फेम बोला है, मैं कहा मेरी वजह से फेम है तुझे. अगर मैं ना हूँ तो तू भी नहीं होगा, ध्यान रखियो. ऐसा ही है, ऐसा ही है. अगर मैं नहीं हूँ तो ये भी नहीं, अगर ये नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ. गुड डे टू अस. तो गाइस ये वाला प्लेन है हमारा, इसमें हम इंदौर जाएंगे. चलो चलते पहले बोर्डिंग करवा लें, है ना. चल, अब तो भीड़ छट गई, अब भीड़ नहीं है.
बहुत कुछ बयां। मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। इंस्टा देखने में, एक घंटा इंस्टा से दूर का है, तो अभी देखना स्टार्ट हो गया है। अब जाएंगे हम लगेज की ओर, फिर जाएंगे नीचे कैब देखने। आजा नीचे कैब देखने, नहीं छूटा कुछ नहीं, छूट गया होगा, फिर आप जाओगे लेने? मैं जाऊंगा, तू जाएगा, मेरा मेरे पास है बैग। तो गाइस हम लोग इंदौर उतर चुके हैं, अब कैब में बैठ चुके हैं। इतनी मशक्कत के बाद हमें फाइनली ये भैया मिले हैं। अब हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल दर्शन, महाकाल दर्शन के लिए, और ये है एयरपोर्ट इंदौर का पैपिक स्टाइल में। कहाँ कहाँ पॉइंट घुमाओगे आप हमें? पितृ पर्वत, ठीक है, छप्पन दुकान, सराफा, राजवाड़ा, चार पॉइंट। उज्जैन से यहाँ पे 3000 में। पुलिस लगी यहाँ पे, तो एमपी पुलिस भैया का नाम बहुत चलता है यहाँ पे। नहीं, भैया का नाम चलता है। भैया ने बोले सेठ भैया ही है। मैं नहीं हूँ, मैं तो ड्राइवर हूँ। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आए हैं डिनर करने के लिए उज्जैन। ऑलमोस्ट हम लोग 10-15 मिनट पहुँच जाएंगे यहाँ से डिनर करके, फिर हम लोग होटल पहुँचेंगे। एक काम करते हैं, हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक कमेंट, और जो महाकाल के और भोले बाबा के जो भक्त हों वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। गुड डे टू अस।